अर्की में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी संजय दत्त ने कहा कि आज प्रदेश में बेरोजगारी का आंकड़ा भयावह रूप ले चुका है। चुनावों के समय प्रधानमंत्री ने युवाओं से वादा किया था कि हर वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, जबकि आज हालत ये है कि करोड़ों युवाओं को अपनी नौकरियों से हाथ धोने पड़े हैं। पेट्रोल 100 रुपए से पार कर शतक लगा चुका है और गैस का सिलेंडर भी 1000 रुपए से पार हो गया है। उन्होंने कहा कि आज केंद्र व प्रदेश की सरकार की नीतियों से प्रदेश की जनता त्रस्त है और परिवर्तन चाहती है। वहीं उन्होंने दावा किया है कि प्रदेश की 4 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ही बहुमत से जीत दर्ज करेगी। जो वादे मोदी सरकार ने डीमोनेटाइजेशन के समय किए, कि डीमोनेटाइजेशन से ब्लैक मनी वापस आ जाएगा, डीमोनेटाइजेशन से टेररिज्म खत्म हो जाएगा, कहां वो जीएसटी के गलत इम्प्लीमेंटेशन के वक्त और डीमोनेटाइजेशन के वक्त जब राहुल गांधी जी ने सरकार को सतर्क किया कि ये गलत नीति मत करिए, जीएसटी के गलत इम्प्लीमेंटेशन से छोटे उद्योग छोटे व्यापारी ये मारे जाएंगे, और उस वजह से आज ये हाल हो गया कि कई लोगों के व्यापार बंद हो गए, वो भी बेरोजगार हो गए। और आपको याद है कि कोविड के समय में शुरुआती में ही जब मोदी जी नमस्कार ट्रंप के स्वागत में लगे हुए थे, राहुल जी ने कहा था कि इसको आप गंभीरता से लीजिए, सरकार ने अनदेखी की। मोदी जी टीवी पे आए, कहा 21 दिन में ये खत्म हो जाएगा, 21 महीने हो गए लेकिन अभी तक इसकी दहशत नहीं गई।